वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। गाइस, आप सब जानते होंगे, जब भी कोई फिल्म थिएटर पर रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद थिएटर पर कमाल की रेस्पॉन्स मिलता है, वो फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। उसी के बाद ओटीटी पर आती है, सेम टू सेम ओटीटी पर भी रेस्पॉन्स मिलता है, ओटीटी पर भी व्यूअरशिप मिलता है, अच्छा बिजनेस कर लेता है। लेकिन गाइस, पठान की केस में टोटली उलट हो गया। मतलब गाइस, थिएटर पर तो ब्लॉकबस्टर बना है, लेकिन ओटीटी के अंदर जिस लेवल की ब्लॉकबस्टर हुई है, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यस गाइस, क्या हुआ, कैसे रिकॉर्ड बना, क्या सीन, क्या सारा सीन है, सब कुछ बताते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। हेलो गाइस, पठान से आने से पहले दो बड़ी मूवी KGF चैप्टर 2 और ट्रिपलर, इन दोनों के OTT राइट 300 करोड़ की आसपास गए थे अमेजन प्राइम वीडियो पर KGF चैप्टर 2, दूसरा आई थी नेटफ्लिक्स पर RRR। दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 1200 करोड़ की। पठान KGF चैप्टर 2 RRR से बड़ी ब्लॉकबस्टर है। रीजन गाइस, पठान श्रेक हिंदी लैंग्वेज में 1000 करोड़ की बिजनेस किया था, लेकिन KGF चैप्टर 2 और RRR को ऑल लैंग्वेज से बढ़िया रेस्पॉन्स मिला था। अमेजन प्राइम पर डील हुआ था 6 करोड़ में, क्योंकि रिलीज से पहले ही डील किया था। कर्स को तो पता ही नहीं था कि पठान इतना बड़ी हिट साबित होगा। मेकर्स वालों ने तो बहुत पैसा छाप लिया। अब अमेजन प्राइम ने पठान की रिकॉर्ड अब कौन तोड़ेगा। मुझे लगता है सालार, नहीं तो जवान। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।